गुड मॉर्निंग गाइस, आज हम आए हैं अरीना स्टेडियम पे नईम भाई की कैप्टनसी में। आज हम फिर हमें लग रहा है कि कोई अच्छा गेम खेलने को मिलेगा। तो नईम भाई जी, कैसा फील कर रहे हैं आज? आज हम जो है अपने आप को फ्रेश फील कर रहे हैं और हमारे जो यंगर्स है सब में जोश है कि आज हमें फाइट करना है और जीतना। और अगर टॉस जीतेंगे तो क्या आज पिच के मुताबिक आप क्या करने वाले हैं आज? हम टॉस जीत के बैटिंग करना पसंद करेंगे। चलो ग्रेट, ठीक है गाइस, अब टॉस की तरफ चलते हैं। नरेंद्र शर्मा जी बहुत ही काबिल है तारीफ, इनकी हम करेंगे। इतनी एज में भी बहुत अपने आप को फिट रखते हैं। कितनी एज समझ रहे हो? 30 साल को ज़्यादा एज होती है। तो ये बॉलिंग इनकी इतनी खतरनाक है कि बैट्समैन तो समझ नहीं पाता कब कहाँ से स्विंग कर गई। तो आज क्या करने का इरादा है? आज करने का इरादा, आज तक हमें इंसान समझ नहीं पाया तो बैट्समैन क्या समझ पाएगा। आज भी ऐसी गुगली फेंकेंगे कि बैट्समैन समझ ही नहीं पाएगा और सीधा विकेट में जाके लगेगी। हेड टेल टेल। तो अभी बता दो, ये जीते हैं टॉस? हां टॉस बता दो, दे देना ध्यान रख। कल तक बता दोगे? कसम से मैं टेल मेरे अंदर चल रहा था लेकिन एकदम लास्ट मोमेंट में हेड टेल निकल गया आपके। हाँ, हेड चल रहा था। कोई नहीं भाई, टॉस आ रही है, देखते हैं क्या होता है। बैटिंग मिल जाए, कुछ भी मिले तो हमें तो अच्छा ही खेलना है बस। सो गाइस, फील्डिंग फर्स्ट है तो मैं डीप कवर्स पे लगाऊं बाउंड्री के पास। काफ़ी एरिया कवर करना है, आप देख सकते हैं कोई है नहीं, सो दौड़ना पड़ेगा अब। ठीक है, वार्म अप भी हो जाएगा बट वील हैव टू रिस्ट्रिक्ट द ऑपोजिशन टू आई थिंक बिलो 130-140। कोशिश यही है, लास्ट टाइम हम तो 150 तक कर पाए थे, इस बार कोशिश करेंगे कि 130-135 मैक्सिमम तक इनको रिस्ट्रिक्ट करें ताकि मैच ईजिली जीतें और जल्दी जीतें। तो गाइस, 5 ओवरों के बाद स्कोर तो बड़ा ठीक ठाक सा है पर विकेट अभी तक गई नहीं है। तो अभी संजीव आए हैं बॉलिंग एंड पे, देखते हैं। सो गाइस, फर्स्ट ब्रेक थ्रू, फाइनली कैच ले लिया तन्मोय ने। ओवर हो गया पर मुझे लगता है कि 50 की स्ट्राइक रेट में खेल रहे थे वो, अच्छा था उनको खेलने देते। कैच थोड़ी ना छोड़ेंगे, जब कैच उठेगा हाथ में आएगा तो कैच ऐसा नहीं करना चाहिए, कैच हमें ले लेना चाहिए, ये तो लेना ही पड़ेगा ना। चलो 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 चलो। सेकंड विकेट डाउन गाइस, बड़ा अच्छा कैच लिया तन्मोय ने, एकदम काफी ऊपर गई थी बॉल। वेल गॉट तन्मोय, गुड कैच, गुड कैच। नहीं भाई, अच्छा कैच लिया तन्मोय ने। अभी तो क्रूज कर रहे हैं, अभी तो फाइट भी है, क्रूज चल रहा है अभी तो। कितने तक रिस्ट्रिक्ट करने का सोच रहे हैं आप? कितने रन तक? कितने हुए अभी इनके? हम सोच रहे हैं इनको 150 तक वाला आउट कर दें। 150 बहुत ज्यादा बोल दिया आपने। 120। ब्रेक थ्रू गाइस, वेरी गुड स्टंपिंग बाय सूरज एंड बैट्समैन थोड़ा कैजुअल हो गया था एंड डिडंट रियलाइज कि पांव अंदर नहीं और वो स्टंप करने में लाइटनिंग फास्ट स्पीड के साथ सूरज ने बेल उखाड़ दी। धोनी की टी शर्ट पहनी हुई है इन्होंने। चलो बढ़िया बढ़िया, चलो ग्रेट स्टंपिंग, क्या स्टंपिंग की है, 10 विकेट। सो लवली स्टंपिंग, थैंक यू। बॉलिंग अच्छी होगी, बॉलिंग की तेज होगी, अच्छी होगी, बढ़िया होगा। नहीं भाई, 120 के अंदर रोकना है इनको मैक्सिमम, अपन दोनों चलेंगे टुक टुक, सिंगल सिंगल बॉल बॉल रन बॉलर रन खेलेंगे, बस बस बढ़िया। गाइस, अब जो हुआ है उसको मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि बैट्समैन ने शॉर्ट कवर पे मारा बॉल तेज़ी से, तन्मय भाई के हाथ से बॉल क्योंकि फास्ट थी हल्की सी छूटी, वो गए वापस पिकअप किया और जो है कीपर के पास फेंकी, तेज़ थ्रो थी तो कीपर से बॉल छूटी और पीछे की चल फाइन की तरफ चली गई, वहाँ से हमारे कौन से भाई थे,
ये भाई थे अकरम भाई, गए बॉल को पकड़ने के लिए और शायद बैट्समैन ने सोचा कि हम दो रन ले लेंगे, लेकिन यही उनकी गलतफहमी थी। अकरम भाई की दो एकदम एक्यूरेट पड़ी और सूरज ने फिर उसको किल्लिया उखाड़ने में दो सेकंड का टाइम लगाया। बिल्कुल वेल डन यार, वेल डन। सो गाइस नेक्स्ट बैट्समैन इन अनिकेत, अनिकेत ऑल द बेस्ट, जा रहे हैं पिच पे एंड इनका जर्सी नंबर 17 है। लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स 167 रन स्कोर्ड, 168 का टारगेट है। लास्ट के 5-6 ओवरों में काफी रन लीक हुए हैं। आप लोग कह रहे थे 120-168 हो गए ना? जी जी बिल्कुल, तो बॉलिंग में थोड़ी कहीं ना कहीं कमी रही। तो हमारी साइड से ओपनिंग के लिए जाएंगे कैप्टन नईम अहमद और अकबर खान, तो वो भी देखते हैं कैसा रहता है। आप जा रहे हो ओपन, क्या रहेगी स्ट्रेटेजी नईम भाई? चार रन नहीं भाई ऑन स्ट्राइक। ओ भाई साहब चार रन। गुड शॉट थे नहीं भाई, कैच भी उसने बढ़िया पकड़ लिया। कोई नहीं, आराम से खेलेंगे। और तीन बॉल बची है अभी। हाँ ठीक है, रन आउट नहीं होना यार आज। ज्यादा लास्ट टाइम हो गया था मैं। याद है। पीछे आओ, ऊपर आ गया पीछे जो। आ जाओ भाग भाग। नहीं 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 बॉलिंग भैया, इतना इतना के थोड़ी किया था। अच्छा थी अबे भाई, बॉल दे दे बंदा यार। आदि बल्ले को से गई है। अबे भाई मानजू हाँ, उसके पास जाएगा तो रन लेना ही लेना। ठीक है, जस्ट स्लो जाए, चलते भागो भागो। नीचे रह गई यार, अबे आउट हो जाएंगे, कोई फायदा नहीं है, खेलो ना। अरे मुझे क्या पता वो मिस हो जाएगी। भागो, डबल 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 डबल। हट भागो, हेलो थैंक यू। क्या आउट, एकदम धीरे डाल दी उसने, मेरा बल्ला पहले आ गया।
कोई नहीं, आराम से खेलो, जीत जाएंगे। चलो ऑल द बेस्ट। एकदम स्लोअर डाल दी उसने, बल्ला पहले घूम गया, वो हल्की आई बॉल। मुझे डबल भगवा रहे अपनी बारी में, सिंगल भाग रहे क्योंकि क्योंकि ओवर के बाद बैटिंग आ जाएगी। ओके गाइस, सॉरी आज आप लोगों को मेरी बैटिंग उतनी उस हिसाब से देखने को नहीं मिली क्योंकि मैं प्रेशर में आ गया था अकबर भाई की वजह से, क्योंकि वो हिटिंग नहीं कर रहे थे, मैं हिट करने के लिए गया, बॉल स्लो हो गई, मेरा बल्ला पहले घूम गया, वेरी सॉरी फॉर दैट। अगली बार प्रॉमिस कर रहा हूँ कि अकबर भाई हो कोई नई भाई हो, मैं अपना गेम अपने आपके हिसाब से, आप लोग जैसा आप लोग चाहते हैं मैं वैसे ही खेलूंगा, ठीक है अनमोल भाई, आप विटनेस हो इस चीज़ के। पावर रेटिंग चेदुरु भाई आपसे हमें 4 4 ठीक है डन। अभी तक 73 हो गए होंगे। ओके गाइस बाय, सी यू, वहां खड़े हो जाओ।